दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पूजा तिवारी डेली ब्लॉग में। सो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो आरती जौनपुरिया हैं उनके भाई का हो गया है कत्ल। दिल्ली में उनका भाई रहता था फ्रेंड्स, वहाँ पर एक लड़की उनसे प्यार करने लगी और फिर ये बोले कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, हमें ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं अच्छी खासी फैमिली से हूँ, ये सब मुझे नहीं करना है। तो वो मतलब ज़बरदस्ती करने लगी इनसे कि क्यों, ऐसा क्यों, मैं आपसे प्यार करती हूँ तो आपको भी करना ही चाहिए ना। और जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, जो आरती जौनपुरिया हैं ऑलरेडी पहले से ही बहुत परेशान है। उनके ससुराल का मैटर चल रहा था, इस समय मायके में है और उनके पापा भी नहीं हैं। किसी तरीके से वो लोग अपना मैनेज कर रहे थे घर परिवार। और यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, बड़ा चैनल है आरती जौनपुरिया नाम से। आप लोग जाइए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस समय उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और गाइस सब लोग इसके ऊपर वीडियो बनाइए ताकि उनके भाई को न्याय मिले, क्योंकि फैमिली का ना रहना क्या होता है आज उनसे ही उनको ही पता है, उनका दर्द उनको ही पता है, ये कोई और नहीं समझ सकता है। पहले से ही बाप नहीं था और अब भाई का भी साथ छूट गया है। उनकी माँ का तो बहुत हालत ख़राब है, मैंने देखा। पूजा जौनपुरिया सिस्टर ने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, वो गांव में ही है तो तुरंत वहाँ पे गई, वो फटाफट वहाँ पे वीडियो शूट करके डाला। तो मैंने देखा उनकी मम्मी का जो हालत है गाइस, उनका रो रो के बहुत मतलब बहुत ही बुरा हाल है। गिर जा रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं एक बच्चे को पालना एक माँ के लिए कितना भारी होता है, और ऊपर से उनके हस्बैंड भी नहीं थे तो किस कंडीशन में अपने बच्चों को यहाँ तक लाई होंगी वो उनको ही पता है। और आजकल के ज़माने में बच्चों का थोड़ा सा भी बहक जाना माँ बाप के ऊपर भारी पड़ रहा है। इस तरीके से कितने सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि मतलब बाद में क्या होता है, पूरी फैमिली इधर उधर हो जाती, किसी का मतलब कोई साथ सपोर्ट नहीं रह जाता, क्योंकि उनकी फैमिली का मेंबर ही चला जाता है तो वो चाहकर भी कुछ उसको वापस तो नहीं ला सकते ना। इसके लिए चाहे बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हों, अपने बच्चों को ये तो इतना बताना ही चाहिए कि ये सब लफड़े से दूर रहें, और जो बच्चे हैं उनको भी ये सब लफड़े से दूर रहना चाहिए। क्योंकि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, आपके पास पैसा है तो सब आपके पीछे भागते हैं। आजकल तो देखिए महाराज लोग भी वो जब कथा कहते हैं तो वो बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत नाम की चीज़ कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे लोग भागते हैं, नहीं तो जिस्म के पीछे भागते हैं। इस तरीके का चल रहा है इस समय तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। पहले ये सब इतना नहीं था मगर इस समय तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आधा तो मोबाइल देख देख के हो रहा है गाइस, और आधा से ज़्यादा एक दूसरे को देख देख के हो रहा है। अब आज उनकी माँ की ऐसी कंडीशन है, बताइए वो अपने आप को कैसे मैनेज कर पाएंगी। उनका हस्बैंड पहले से ही नहीं था और भगवान ने बेटा भी ले लिया। बेटी है वो ऑलरेडी घर पे है, उसका भी परिवार छूट चुका है। ससुराल उनकी शादी हुई थी, किसी मैटर से उनकी शादी भी नहीं अच्छी चल पाई तो वो घर सिस्टर घर पे ही आ गई हैं। और यूट्यूब पे उनका अच्छा चैनल है, चलता है, अपनी माँ के साथ ही रहती हैं। तो पहले वो रोली जौनपुरिया के साथ कॉमेडी वीडियो बनाती थी, फिर अभी तो अपना ही वीडियो बना के डालती हैं। मैं भी उनके वीडियो देखती थी मगर अभी कल क्या है, पूजा जौनपुरिया सिस्टर का चैनल पर मैंने अचानक से देखा तो मुझे बहुत शौक लगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नहीं अच्छा है यार इस तरीके का, किसी के भी साथ हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग अपना और अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा केयर कीजिए, ये सब लफड़ों में कोई पड़ने ना पाए। और भगवान आरती सिस्टर को इतनी हिम्मत दे को अपने मम्मी का साथ दे पाएँ और अपने मम्मी का सपोर्ट कर पाएँ, अपने मम्मी का हौसला बढ़ा पाएँ। बाय फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती मैं।